हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम भराड़ी सैण में, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो मेरी ड्यूटी यहाँ पे लग रखी है। तो दोस्तों, बहुत ठंडा लग रहा है इधर, बहुत मौसम बिल्कुल पैक हो गया है। तो अब लगभग लगभग शाम तक बारिश आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश आती तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। तो 7-8 दिन की ड्यूटी लग रखी है 18 तक। तो देखते हैं दोस्तों कितने दिन यहाँ पे सत्र चलता है, क्योंकि मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि ड्यूटी लगी थी मुझे, मेरी VIP ड्यूटी मुख्यमंत्री के उसमें, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, भराड़ी शहर में कितने सुंदर सुंदर फूल बुरांस के खिल रखे हैं, और ये ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है आपको गैरसैंण, बहुत टॉप में है हम इस टाइम। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, एक साइड पूरा मौसम पैक और दूसरे साइड थोड़ा हल्का खुल रखा है मौसम। ये देखिए यहाँ पूरा बांझ ही बांझ, ये पूरे बांस के पेड़ है यहाँ पे। आराम खाना खुना खा के थोड़ा टहल रहे थे मैं और हेमंत भाई। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरी पूरी फोर्स लग रखी है यहाँ पे, ये ट्रैफिक पुलिस और सारे लोग यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं। कैसा हो गया मौसम? भी लगभग थोड़ी देर में बारिश लग जाएगी यहाँ पे। ये देखिए बारिश लग गई भाई अब, है ना। ये देखिए दोस्तों, अभी खाना बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है तंदूर की रोटी। ये देखिए, ये हमारा तीसरा मैस है यहाँ पे। ये है दोस्तों हमारी राजधानी का नाइट व्यू, ऐसे दिखती है। ये है टॉप में विधानसभा, ये है जहाँ हमारे मुख्यमंत्री लोग बैठते हैं। ये है नाइट व्यू, और हम ठीक इस टाइम खड़े हैं ऊपर छत में, और ये हमारा नीचे खाना तैयार हो रहा है। वैसे तीन तीन मैस बनी है ऊपर, एक ऊपर है, दो ऊपर है और एक नीचे है। देखते हैं आज रात को कहाँ खाते हैं। ये हमारे दोस्त लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं रूम पे पहुँच गया हूँ, और ये देखिए दोस्तों हमारे तहसील प्रशासन ने कितनी अच्छी मतलब व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। सोने के नए नए बेड मिल रखे हैं और रजाई गद्दे भी अच्छे मिल रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सोता हूँ, फिर मिलते हैं सुबह में। 4-5 दिन हो गए मुझे यहाँ पे, तो शायद क्या पता आज अगर बजट पारित हो गया तो शायद क्या पता हम शाम को भी निकल सकते हैं। तो देखते हैं, आपको दिखाएंगे आगे कैसे कैसे यहाँ की स्थिति है बनी। ये देखिए दोस्तों, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, ये विधानसभा सत्र में लग रखी है। ये देखिए हमारे पुलिस के जवान ये पैक कर रहे हैं, शायद कहीं और लग रखी होगी इनकी ड्यूटी, ये रामनगर साइड। तो चाय पीने चलते हैं दोस्तों, हमारे हेमंत भाई उधर से बुला रहे हैं। ये देखिए पूरे पाले से कैसे हो रही गाड़ियाँ, ये देखिए। तो दोस्तों हमें चाय पी ली है, अब थोड़ा आगे निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे, और दिखाएंगे आपको। हमारा फ्रेंड रुक रखा है गाड़ी में, दिखाते हैं आपको। वो कल रात गाड़ी में सोया, इसको बोल भी रहे थे कि कमरे पे आ जा, पर उसको गाड़ी में सोना था। दिखाते हैं आपको फिर, एक बेड वैसे भी खाली था वहाँ पे, है ना।
हाँ हाँ अरे इसमें शोर का दोस्तों, हेलो बुब्बी बुब्बी उठ जा। ये देखिए दोस्तों कैसी स्थिति में सो रखा है ये भाई। ये देखिए पूरी सीट फोल्ड कर रखी है, रजाई में मस्त सो रखा गाड़ी के अंदर। हेलो हेलो उसको पता चल रहा है कि ये देखिए उसको पता है कि मतलब वीडियो बन रही है मेरी, इसलिए उठ नहीं पा। बुब्बी उठ बुब्बी भाई उठ गई, ये देख रहे नंगे पैर में। ये देखिए दोस्तों ये पत्थर कितने हैं, अच्छे लग रहे हैं ये पत्थर। इसी साइड गैरसन साइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये देखिए आप लोगों ने घोसाले पे लगा रखे, मकान पे लगा रहे थे। ये देखिए नज़ारा कुछ अलग ही है दोस्तों, आप भी आना ये भराड़ी साइड घूमने। ये देखिए ऊपर तो बहुत टॉप की जगह है, ये दिख रहा है हल्का सा, ये हमारा विधानसभा भवन। ये तो दिखाता हूँ दोस्तों सबसे पहले आपको दूधातोली, ये जगह बहुत ही सुंदर है और आप भी आना। खैर मैं तो गया नहीं लेकिन मैंने सुना है कि अच्छी जगह है वहाँ पे, मतलब किसी की समाधि है वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको सामने पे दिख रहा है, ये है दूधातोली, ये है यहाँ पे बर्फ पड़ रही है और यहाँ तक ये रोड है, यहाँ से पूरा पैदल है यहाँ से ऊपर। ये है तो यहाँ पे मतलब मेला भी लगता है तो अच्छा लगता है। खैर हम तो कभी आए नहीं इस साइड, बट लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है लगता है कि यहाँ। तो दोस्तों अब चलते हैं हेलीपैड में, यह ठीक सामने पे गाड़ी, तो स्टार्ट करते हैं उसके बाद निकलते हैं, फिर देखते हैं रास्ते में नाश्ता, क्योंकि इधर तो अभी बनाना ही 8:30 बजे से पहले नहीं बनता है। देखते हैं कहीं होटल होटल में, तो करते हैं दोस्तों गाड़ी स्टार्ट। तो दोस्तों नाश्ता भी कर लिया हमने और अब आ रखे हैं हम नीचे सलियाना बैंड। ये यहाँ पे हेलीपैड है तो यहाँ पे हम मेरी ड्यूटी लग रखी है, तो अभी आएंगे सीएम साहब आएंगे 11-12 बजे, उनका प्रोग्राम है तो अभी हम वेट कर रहे हैं और हम दिखाते हैं गांव में हम कैसे लगाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है दोस्तों, ये देखिए मस्त। ये है यहाँ पे सलियाना बैंड, ये देखिए दोस्तों हमारा इधर तो बिल्कुल बंजर पड़ रखे हैं खेत, यही हल लगाने, क्योंकि हम भी काफ़ी समय पहले मतलब हल लगाते थे जब मेरे दादा जिंदा थे, तो दादा लोग बहुत वो करते थे तो मैं भी हल लगाया करता था। आज याद आ गई। ये देखिए ये खेत दोस्तों, ये मिट्टी के वो बड़े बड़े वो रहते हैं तो उसको फोड़ते हैं, हमारे वहाँ डिक्का बोलते हैं गढ़वाली में, उसको फोड़ रहे हैं। और देखिए नीचे ताई जी वहाँ डिक्का फोड़ रही है, ये देखिए हमारे वहाँ तो ऐसे बोलते हैं दोस्तों, तुम्हारे वहाँ पता नहीं कैसे बोलते होंगे, तो चलो कोई नहीं। तो दोस्तों खाना भी खा लिया है और आज खाई हमने मच्छी भात, मैंने और मेरा दोस्त है बुप्पी, तो मज़ा आ गया खाना खा के। अब थोड़ा लेट रखे हैं, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा
क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है। देखते हैं कल परसों में छुट्टी हो ही जाएगी। तो दोस्तों टाइम हो गया 4:30 और मैं थोड़ा घूमने आ रखा हूँ, इसलिए ये देखिए दोस्तों क्या मस्त नज़ारा है और मौसम भी बिल्कुल पैक हो रखा, तो अच्छा लग रहा है मतलब। और दोस्तों अब कल परसों शायद निकल जाएंगे हम लोग भी यहाँ से, सत्र भी फाइनल हो जाएगा। ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है ऊपर, ये देखिए पूरा पैक हो रखा और हम लोग हैं अभी नीचे क्योंकि ऊपर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे है हेलीपैड, यहीं से ड्यूटी लगती है, हमारे सीएम साहब इधर ही आते हैं यहाँ पे।